सुप्रभात विद्यार्थियों, मदर टेरेसा नोबल एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने हल संधि के कुछ भागों को पढ़ा था, कुछ भाग अभी शेष है। तो हमने हल संधि के अंतर्गत पढ़ ली है विद्यार्थियों, एक तो अनुस्वार संधि, उसके बाद हमने अध्ययन किया विद्यार्थियों पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण के अंतर्गत विद्यार्थियों तीन चार संधियां आती है, कई जगह उन्हें अलग अलग नाम से मेंशन किया हुआ आपको मिलता है, और विद्यार्थियों कई जगह सिर्फ सूत्र देखकर कई पर सवर्ण संधि के अंतर्गत ही उसको दे दिया जाता है। तो यदि नामकरण करके हम उसका अध्ययन करना चाहें तो विद्यार्थियों हम आज पढ़ने वाले हैं अनुनासिक संधि। वैसे देखा जाए तो यह पर सवर्ण का ही विद्यार्थियों पार्ट है, तो नंबर में डाल रहा हूं विद्यार्थियों तीन, और नाम लिख रहा हूं विद्यार्थियों में अनुनासिक संधि, जो पर सवर्ण का ही पार्ट है विद्यार्थियों। अनुनासिक संधि, और विद्यार्थियों अन्य संधियों के तरह अन्य संधियों की तरह इसका भी एक सूत्र है, और वो विद्यार्थी सूत्र क्या है सुनिएगा, यरो अनुना सिके अनुना सिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये विद्यार्थी इसका सूत्र है। सूत्र थोड़ा लंबा देख के ऐसा अटपटा लग रहा होगा कि ये याद कैसे होगा, तो विद्यार्थी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दो चार बार हम इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही बोलने में लिखने में सफल होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जैसा कि विद्यार्थियों आप देख रहे हैं सूत्र के अंत में लिखा पड़ा है वा, और पिछली क्लास में मैंने आपसे बात की थी, कहा था कि जिस सूत्र में वा का प्रयोग हुआ विद्यार्थियों वहां पर जो है वा का अर्थ होता है अथवा, या कह सकते हैं या, यानी विद्यार्थियों कहने का मतलब है ये जो कार्य हमें करना है वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है ना, हमारी इच्छा अनुसार है, हम वो ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, इच्छा अनुसार है, स्वेच्छा से हम चाहें तो परिवर्तन करें और न चाहें विद्यार्थियों नहीं करें। तो कुल मिलाकर के इच्छा अनुसार परिवर्तन होने वाला है। अब क्या परिवर्तन करने के लिए कह रहा है अपनी इच्छा से विद्यार्थियों, वो बात हम सूत्र जो कह रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब सूत्र क्या कहता सुनिए, सूत्र कहता विद्यार्थियों, जैसे आप सबको पता है कि भैया दो टुकड़े होते हैं जब संधि विच्छेद करते हैं, कम से कम दो पद बनते हैं, प्रथम पद के अंत में विद्यार्थियों कोई न कोई यर प्रत्याहार का वर्ण आवे, और द्वितीय पद के प्रारंभ में विद्यार्थियों कोई अनुनासिक वर्ण आवे। क्या कहा इसने, प्रथम पद के अंत में कोई यर प्रत्याहार का वर्ण आवे, द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई अनुनासिक वर्ण आवे, तो यर प्रत्याहार वाले वर्ण को भी विद्यार्थियों यहां जो है वो अनुनासिक वर्ण आदेश हो जाता है, यानी अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण उसको आदेश हो जाता है। कैसे, तो देखिए अब यर क्या क्या मतलब विद्यार्थी, तो यर में कौन कौन से वर्ण आते हैं आप सब जानते होंगे, जैसा कि यर में आप यदि मान लो महेश सूत्र की बात करें विद्यार्थियों तो अयुण रिदरिका अयंग अयउच ये तो हो गए सारे सारे अच्छे हो गए विद्यार्थियों स्वर हो गए, ह य तो ह को छोड़ दी यस स्टार्ट कीजिएगा, य व र ट ल ण य म ग ण न म झ भ य ग ड द श ज ब ग ड द श कप ग ज गज गज
खफा चटता चटता व कप्पा य ये आगे विद्यार्थी है ना, और श श श र ये र तक पहुंच गए विद्यार्थियों। वापस कर रहा हूं मैं, हय वर टल अण यम गण नम जब य गड दश जब गड दश खप चटत चटत व कप य श श श र र तक पहुंच गए विद्यार्थियों। और उस र तक जो है वो विद्यार्थी जो है सारे यर प्रत्याहार में वर्ण गिने जाते हैं। तो खास करके मैं यदि यर प्रत्याहार में कहूं तो वर्गों वाले वर्ण, अर्थात पांच वर्ग होते हैं हमारी वर्णमाला में, तो वर्गों वाले वर्ण, तो एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? पांच। तो पांच गुणा पांच बराबर 25, पांच गुणा पांच बराबर 25 वर्ण विद्यार्थी, तो ये हो गए। और यह में क्या आता है? य व र ल, क्यों गया से स्टार्ट कर रहे हैं, अगो छोड़ दीजिएगा, य व र ल चार वर्णीय योग विद्यार्थी, 25 है 29। उसके बाद में बात आती है लास्ट में श श स, तो तीनों श विद्यार्थियों, श शंकर वाले जिसे हम कहते हैं विद्यार्थियों, स ताले में विद्यार्थियों, श षटकोण वाला, इस तीनों विद्यार्थी बनाते हैं ना, श श स र, तो र तो अंतिम वर्ण विद्यार्थी इसलिए उसके साथ काउंट नहीं करेंगे, तो चार वर्ण हो गए। तो 25 और 8 विद्यार्थियों कुल मिलाकर के 33 वर्ण हो गए हैं, ठीक है। तो और इनके बाद में अनुनासिक वर्ण यदि सपोज दैट विद्यार्थियों यदि आ जाता है तो क्या करते हैं, यहां वर्ग वाले वर्ण को भी अपने ही वर्ग का अंतिम वर्ण बोले तो अनुनासिक वर्ण आदेश होता है विद्यार्थियों। यहां वर्ग वाला वर्ण जो भी आया विद्यार्थियों, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको कह देता हूं कि मैं लिख लेता हूं आपके सामने, सुविधा रहेगी आपको भी विद्यार्थियों। जैसे मान लो क वर्ग की मैं बात करूं, क वर्ग, तो क वर्ग क्या क्या आता है, क क ग घ ग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण, है ना विद्यार्थियों। त थ द ध न प फ ब भ और म। तो यदि क ख ग घ ङ में से कोई आता है वर्ण और यहां भी आपको विद्यार्थियों अनुनासिक वर्ण बोले तो ङ, देखो मैं प्लस के बाद लिख रहा हूं, ये यहां प्लस समझ लीजिएगा, ङ नहीं हो तो य, नहीं हो तो ण, ण नहीं हो तो न, न नहीं हो तो म, है ना विद्यार्थियों। इस प्रकार का कोई वैदि वर्ण विद्यार्थी दिखाई देवे, देखो ये पांच वर्ण प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण दिखाई देवे, तो यहां जो वर्ण आया है उस वर्ण को भी अपने ही वर्ग का, उसको अपने ही वर्ग का अंतिम वर्ण विद्यार्थियों आदेश हो जाता है। अर्थात क आवे तो आपको ङ बनाना, ख आवे तो ङ बनाना, ग आवे तो ङ बनाना, घ आवे तो विद्यार्थी ङ बनाना, ठीक है। च आवे तो आपको विद्यार्थियों ङ बनाना, छ आवे तो भी यहां बनाना, ज आवे तो भी यहां बनाना, झ आवे तो भी यहां बनाना, ट आवे तो ण बनाना, थ आवे तो ण बनाना, ड आवे तो ण बनाना, ढ आवे तो विद्यार्थी ण बनाना, त आवे तो न बनाना, थ आवे तो न बनाना, द आवे तो न बनाना, ध आवे तो भी न बनाना, शायद आप मेरी बात समझ रहे हो विद्यार्थियों। फिर बात देखिएगा, प आवे तो म बनाना, ह आवे तो भी म बनाना, इसका पांचवा वर्ण, ब भी विद्यार्थी इसका पांचवा, और ये विद्यार्थी भ आवे तो म बनाना। तो कुल मिला करके प्रथम पद के अंत में ये विद्यार्थियों वर्गों वाले को वर्ण आवे 25 वर्णों में से, यहाँ विद्यार्थियों यदि कोई इन अनुनासिक वर्ण आवे पांचवा वर्ण आवे, तो यहाँ वर्ग वाले वर्ण कोई अपने ही वर्ग का अनुनासिक वर्ण बोले तो पांचवा वर्ण आदेश होता है। अब सोच रंग भैया य र ल वाले यदि उदाहरण आ जाए तो विद्यार्थियों, तो मैंने आपसे पहले एक बार एक संधि में और बताया था, य व र और ल आवे तो विद्यार्थियों य का कर देंगे य, व का कर देंगे व, र का कर देंगे र और ल का कर देंगे ल, ऐसा विद्यार्थियों किया जाता है। इसको विद्यार्थी जो है हम अनुनासिक संधि नाम से जानते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो हम बात करते हैं, पहले ही पहला उदाहरण ले लें विद्यार्थियों, तो पहला उदाहरण में बात करूं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख दें विद्यार्थियों, चलिए आपकी सुविधा रहेगी। तो डेफिनेशन क्या देखिएगा, अर्थात क्या कहता है ये सूत्र विद्यार्थी, तो लिखेंगे अर्थात यदि प्रथम पद के अंत में
यर प्रत्याहार, अब यर प्रत्याहार सारे वर्ण समझ गए, इधर 33 वर्ण है ना, का कोई वर्ण आवे तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भी अनुनासिक वर्ण आवे, अनुनासिक वर्ण आवे तो यर प्रत्याहार वाले वर्ण को भी अपने ही वर्ग का अंतिम वर्ण बोले तो अनुनासिक वर्ण है ना, अनुनासिक वर्ण आदेश होता है। ये विद्यार्थी बात होगी हमारे डेफिनेशन की, और अब बात करें हम एग्जाम्पल की विद्यार्थियों, तो एग्जाम्पल आपकी पाठ्य पुस्तक से देखें तो पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल विद्यार्थी जो आपके दे रखा है वो है वांग मूलम। उदाहरण के तौर पर पहला ही पहला एग्जाम्पल दे रखा है विद्यार्थी ने वांग मूलम, ये लिखा वांग और मूलम, वांग मूलम। अब देखिए विद्यार्थियों, यदि हम इसकी इसका संधि विच्छेद करें विद्यार्थियों, तो संधि विच्छेद इसका होता है वाक, मूल पद तो वाक है, कई जगह वाक भी मिलता है विद्यार्थियों, वाक प्लस मूलम, ठीक है, वाक प्लस मूलम। अब आप देख रहे हैं प्रथम पद के अंत में क वर्ग का वर्ण, ये क वर्ग का वर्ण, द्वितीय पद के प्रारंभ में विद्यार्थियों म प वर्ग का वर्ण, ये बोल विद्यार्थी म पढ़ाइए, अनुनासिक वर्ण मिल गया आपको। तो इस क का भी क्या बनाना है, ङ बनाना है, तो आप इस क को विद्यार्थियों कन्वर्ट कर दोगे ङ में। अब रह गए इधर वा, इधर रह गए इधर मू और ल और म, ये आपने कब किया, जब आपने इसका कहना माना। अब इसको जोड़ेंगे तो जगह वा ये ङ ये मू ल म, ये आपने सूत्र का कहना माना तो, लेकिन मैंने कहा ना कि सूत्र का कहना मानना कोई कंपलसरी नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे, तो विद्यार्थी वाक का जो है वाग मूलम आपको लिखना है, क का जस तो संधि से ग बनाना है, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी वाग मूलम, आपको जस संधि भी इसके जस्ट बात करवाने वाला हूं विद्यार्थी, तो वाग मूलम हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, दूसरा उदाहरण जैसे एतन मुरारी, एतन मुरारी ही, तो जाएगा एतद प्लस मुरारी ही। विद्यार्थियों कई जगह आपको एतद मिलता है, कई जगह आपको एतन शब्द भी मिल सकता है विद्यार्थियों, एतन प्लस मुरारी, पर एतद मुरारी लिखिएगा आप विद्यार्थी ना, एतद नहीं, एतन नहीं मिलेगा आपको, एतत मिलेगा, एतत मूल पद जैसे एतत ही है ना, तो मुरा री। अब द आवे चाहे त आवे, द आए तो इसका अंतिम ना होगा, त आवे तो इसका अंतिम ना होगा, तो आप इसे कर देंगे न में कन्वर्ट। अब जोड़ेंगे जाएगा एत और इधर रह गए विद्यार्थी मुरारी, अब जोड़ेंगे तो एत न आधा और मुरारी, एतन मुरारी। ये विद्यार्थी जो है आपके अनुनासिक संधि के एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। अगला उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, जैसे अगला उदाहरण है चिन्मयम, तो चिन्मयम क्या विद्यार्थी, नंबर तीन लिख रहा हूं मैं यहां पर, यह है चिन्मयम, तो चित भी हो सकता है संधि विच्छेद विद्यार्थियों, चित प्लस मयम और चिद प्लस मयम भी हो सकता है। अब एग्जाम में आप किस प्रकार से दिया जाए वो उस एग्जामिनर पर निर्भर करता है, यदि त देवे तो त का जस संधि बाद द बनता है, और सीधे विद्य चिद प्लस मयम देवे तो जस्यत्व का कोई रोल होगा नहीं, डायरेक्ट अनुनासिक संधि होगी, तो अब द का विद्यार्थी आप करोगे अंतिम तो जगह न, और ये हो जाएगा आपके ची, ये हो गया आपके विद्यार्थियों म य म, अब जोड़ेंगे तो जाएगा विद्यार्थी ची न आधा म य म, ये हो गया आपके चिन्हमयम।
अगला उदाहरण विद्यार्थियों आपका है, वो कर लेते हैं षणमयू खा नंबर चार। तो ये हो गया आपके षण मयू खा हा, है ना। तो षट प्लस मयू खा हा, विद्यार्थी यहां पर मयू खा की जगह क्षण मयूरहा लिखा भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना। अभी आप बुक में जैसे दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो मैं इसलिए मयूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज जाएंगे कि ये किताब में तो ये मयूरा लिखा हुआ ही नहीं है। तो अब हो जाएगा षट। अब षट का आप करोगे अंतिम वर्ण बनाओगे विद्यार्थी, बनेगा ण, इधर रह जाएगा श, इधर रह जाएगा मयू खा हा। अब जोड़ेंगे तो श ण आधा म ये यू ये खा हा, क्षण मयू खा विद्यार्थी, है ना। मूल प्रदेश सर ये क्षण मयू का जो लिखा है इसकी जगह मैंने आपसे कहा कि क्षण मयूरा भी हो सकता है। तो ये आपके अनुनासिक संधि विद्यार्थी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत यानी बोले तो हल संधि के अंतर्गत हमने विद्यार्थी सबसे पहले मेरे ख्याल से अनुस्वार संधि पढ़ी थी, अनुस्वार के बाद में विद्यार्थी, अरे अनुस्वार से पहले मैंने दो संधि और पढ़ी जो आपके सिलेबस में नहीं थी, मैंने आपसे कहा था अष्टत्व संधि और अष्टत्व संधि विद्यार्थियों। इसके बाद में हमने अनुस्वार को लिया तीन नंबर, है ना। तो उसके बाद विद्यार्थी जो है हमने अनुसार के बाद पर स्वर्ण पढ़ी थी, तो वो चार संधि वहां पर हो गई थी। यहां देखा जाए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये विद्यार्थी आपकी तीसरी संधि हुई, क्योंकि अनुस्वार पर स्वर्ण अनुनासिक और दो सिलेबस साथ में जो नहीं है वो जोड़ूं तो इधर यहां संधि बन जाती है आपके पांचवी, है ना। अब वो आपको समझना है कि किस प्रकार से दी जाए, तो ये पांचवी संधि भी आपके हो जाएगी विद्यार्थी। नेक्स्ट, अब अगली संधि की मैं विद्यार्थी यदि बात करूं तो अगली संधि जो है हम ले लेते हैं लत्व संधि, उसके बाद जश्व तो एक बच्चे की विद्यार्थी, तो ये इसके साथ जो है तीन संधियां कुल बाकी थी तो आज तीनों पूरी कर लेते हैं। अब ले लेंगे विद्यार्थी हम लत्व संधि, बड़ी सरल विद्यार्थियों लत्व संधि है। तो छह नंबर हेडिंग डाल के आप लिखेंगे लत्व संधि, क्या कहती है लत्व संधि वो देखते हैं। कई जगह विद्यार्थी ने आपसे कहा ना कि भाई ये सारे पर सवर्ण के पार्ट हैं, तो कई जगह सिर्फ इसको पर सवर्ण में ही शामिल किया गया है, कई जगह विद्यार्थी का जो है अलग से नामकरण किया गया है। मैंने अभी आपसे कहा कि जैसे ये अनुनासिक संधि करने जा रहे हैं, कई जगह अनुनासिक आपको नाम मिलता है व्यक्तिगत अलग इसका, और कई जगह विद्यार्थी पर सवर्ण का ही भाग माना जाता है। जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में पर सवर्ण के अंतर्गत ये विद्यार्थी पांच छह सूत्र देकर के दर्शाया गया है। वैसे देखा जाए बड़े स्तर पर जाए तो अनुनासिक संधि को अलग माना गया विद्यार्थियों। तो देखिएगा नंबर छह और वो है विद्यार्थियों आपकी लत्व संधि, कौन सी है लत्व संधि। अब लत्व संधि का विद्यार्थियों अन्य संधि की तरह इसका सूत्र है, वो सूत्र क्या है देखिएगा। तो मैं लिखूंगा सूत्र और वो विद्यार्थी सूत्र है तोरली, क्या है सूत्र तोरली, तोरली मत कहना तोरली, है ना। अब तोरली सूत्र क्या कहता है सुनिए विद्यार्थियों, तोरली सूत्र बड़ी सिंपल बात कहता है विद्यार्थियों कि यदि प्रथम पद के अंत में कोई त वर्ग का वर्ण होवे, किस वर्ग का वर्ण होवे त वर्ग का वर्ण होवे, त वर्ग का मतलब आप समझते विद्यार्थियों यानी पांच वर्ण हुई त या थ या द या ध या न, ठीक है। बाद में के बाद में कोई भी विद्यार्थियों ल वर्ण आवे, ल वर्ण आवे, ठीक है। तो के तो क्या त वर्ग को भी आपको कन्वर्ट करना है किसमें ल में, त वर्ग को भी आपको कन्वर्ट करना है किसमें ल में, कैसे त आवे चाहे थ आवे चाहे द आवे चाहे ध आवे, आपको उसकी जगह विद्यार्थियों ल वर्ण करना है, ल वर्ण। अब आप सोच रहे होंगे तो भाई न आ गया तो न आवे तो आपको करना तो ल ही पड़ेगा विद्यार्थियों, क्योंकि ये त वर्ग का वर्ण है। लेकिन न की एक विशेषता और है कि वो खुद अपने आप में अनुनासिक वर्ण है, नाक से बोला जाने वाला। तो इससे जो वर्ण जो पैदा होगा विद्यार्थियों वो भी नाक से बोला जाने वाला अनुनासिक वर्ण पैदा होगा, बोले तो विद्यार्थी इसको ल कहेंगे। क्या बात मेरी समझ पाए, त आवे तो ल, थ आवे तो ल, द आवे तो ल, ध आवे तो ल, और न आवे तो ल न बन करके ल।
और मैं लिख दूं विद्यार्थी यहां पर वर्ण आदेश होता है, ल वर्ण आदेश होता है। अब इसकी डेफिनेशन बना लीजिए, जैसे आप डायग्राम समझ पाए तो क्या लिखेंगे सुनिएगा। तो ये कहता है अर्थात यदि प्रथम पद के अंत में, यदि प्रथम पद के अंत में, यदि प्रथम पद के अंत में तो वर्ग का कोई वर्ण आवे तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई ल वर्ण आवे, ल वर्ण आवे तो त वर्ग वाले वर्ण को भी ल वर्ण आदेश होता है। देखिए विद्यार्थी इसमें मैंने वो बात नहीं लिखी कि अभी ना को ल होता है, ये बात यहां डायग्राम समझा दिए कुल मिलाकर के, है तो ल ही, ना कभी बना तो ल ही है ना, न अनुनासिक होने की वजह से अनुनासिक ल बना है, और कोई विद्यार्थी बड़ी बात इसमें नहीं है। तो ये बात आपको जो ध्यान रखनी है। तो ये विद्यार्थी आपके हो गया डायग्राम और ये होगी डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की विद्यार्थियों। तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके पाठ्यक्रम में या जो पाठ्य पुस्तक विद्या उसमें एग्जाम्पल्स कुछ दे रखे हैं, तो क्यों ना हम बात उसी की करें विद्यार्थियों। एग्जाम्पल दे रखा है विद्यार्थियों तल्लय, अब इसका संधि छेद होगा विद्यार्थी होगा तत् प्लस लय। आप देख रहे हैं प्रथम पद के अंत में त, ये त, द्वितीय पद के प्रारंभ में ल, ये ल, तो त को किस में कन्वर्ट करना, ल में। आपने त का कर दिया विद्यार्थियों ल, इधर रह गया त, इधर रह गया लय। अब जोड़ेंगे तो दीजिए जगह त, ये ल आधा, ये ल पूरा, ये लय पद बन गया तल्लय। इसमें कोई विद्यार्थियों शक वाली बात नहीं है। दूसरा देखिए विद्यार्थियों जगल्लय नंबर दो, जगल्लय, ये जगल्लय, तो इसका होगा जगत प्लस लय। अब त का क्या बनेगा, ल, इधर क्या रह गया जग, इधर क्या रह गया लय। अब जोड़ेंगे तो ज ग ल आधा, फिर लय जगल्लय। नंबर तीन विद्यार्थियों उदाहरण देखिएगा, विद्वान लिखति, ये लिखा सब आपने विद्वान लिखति, विद्वान लिखति, तो इसका संधि विच्छेद होगा प्यारे विद्यार्थियों विद्वान प्लस लिखति, है ना, विद्वान प्लस लिखति। अब मैंने देखा इसमें देखो त सिंपल, इसमें भी त, तो ल ल बना, यहां त न जो है वो त वर्ग का वर्ण है, तो ल तो बनना ही बनना है, लेकिन साथ साथ में ये अनुनासिक है, तो फिर विद्यार्थी इसका भी जो है वो ल न बन करके ल बनेगा, नहीं नहीं बोले तो ल अनुनासिक बनेगा विद्यार्थियों। तो यहां मैं जो है इसको अनुनासिक बना देता हूं ये ल। अब इधर बच गया विधवा, है ना, ये हो गया विधवा, इधर हो गया विद्यार्थी आपके लिखती। अब जोड़ेंगे तो विधवा, ल आधा, ल पूरा, ये चंद्र बिंदु और खति, तो विद्वान लिखति विद्यार्थी होगा ये, इस प्रकार से आपके विद्वान लिखति। कोई परेशानी वाली बात नहीं है विद्यार्थियों। अब बच गया एक और उदाहरण करूं विद्यार्थी, चार कर देते हैं, तो विलसत लंका, है ना, विलसत लंका, ये हो गया वी, ये ल, है ना, शब्द है विलसत लंका, ये वी ल, ये स,
और ये लंग, अरे एक और शब्द बीच में ल है ना, आधा लंका है। तो अब देखिएगा इसका बनेगा वी ल स त प्लस लंका, और त का आप सब जानते हैं क्या बनता है, ल। तो हो जाएगा वी ये ल और इधर बच गया स, इधर बच गया इधर लंका, और अब जोड़ेंगे तो जाएगा वी ल स विलस और फिर लंका विलस लंका, और पूरा इधर जो टुकड़े करेंगे बन बनेगा विलसत लंका विलस लंका, और नहीं तो बनेगा इधर विलसत लंका। तो इसी के साथ इधर जो है आपकी ये संधि बोले तो कौन सी लत्व संधि विद्यार्थियों पूर्ण हो जाती है। अब लत्व संधि के बाद विद्यार्थी हमारी एक संधि इसके अंतर्गत और बच गई विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत एक संधि और बच गई है, वो है वेरी इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों जसत्व संधि। लगभग लगभग हर साल उसमें से एक उदाहरण विद्यार्थियों परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको मैं सबसे अंत में लिया है मैंने, तो आप गौर से इधर इसको देखना, बड़ी सरल है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। पर चलिए बात अब उसकी करते हैं विद्यार्थियों। तो नंबर 7 आप हेडिंग डालेंगे और वो 7 नंबर क्या कहती संधि कौन सी विद्यार्थियों बात कर लेते हैं। तो 7वीं संधि जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपसे भी बात की, कहा कि हम जसत्व संधि पढ़ने जा रहे हैं। जसत्व संधि के विद्यार्थियों वैसे तो सूत्र 2 है, वैसे तो विद्यार्थियों सूत्र 2 है, पर एक भी यदि विद्यार्थियों कंठस्थ कर लेते हैं तो अपना काम बनता, उससे अपना काम हो जाएगा विद्यार्थियों, काम अटकेगा नहीं, और दोनों याद करते हैं तो ऑल दी बेस्ट, इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो क्या है विद्यार्थियों बात करते हैं, संधि विद्यार्थी मैंने आपसे भी कहा कि नंबर 7 और संधि हमारी यह है जसत्व संधि, जसत्व संधि, जसत्व संधि विद्यार्थियों। अब जसत्व संधि के नाम से कहा कि सूत्र 2 है, तो पहले तो मैंने जो सूत्र कौन सा है उसकी बात करें विद्यार्थियों, कौन से सूत्र की बात करें जान, एक मिनट कौन सा विद्यार्थियों, वो सूत्र है झलाम जशो अंते, झलाम जशो अंते। ये विद्यार्थियों अग्र चिन्ह के ऊपर लाइन खींची नहीं जाती, आप सब जानते हैं, तो झलाम जशो अंते। अब ये झलाम जशो अंते सूत्र क्या कहता है, झलाम जशो अंते विद्यार्थियों सूत्र कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में कोई झल प्रत्याहार का वर्ण आवे, और प्रत्याहार की बात करें विद्यार्थियों आप प्रत्याहार शायद काफी हद तक बनाने सीख गए होंगे, संधि एंड करेंगे तब तक आपको पूरा सीख जाना है, हर दिन आप प्रयास करते होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। तो झल प्रत्याहार का वर्ण आवे, आप सोचेंगे यार झल प्रत्याहार न जाने कौन कौन से आते हैं, चलिए भाई मैं बता देता हूं आपके, अयुण रिद्रिका अयंग अयच अयवर टलण यम गण नम झ आ गया, झ झ भ य ये सब आपके देखो झ भ यहां लास्ट गिनना नहीं है, जब अयवरट लणयम गण नम झब घट दश, तो ये घ ये ढ ये द लेना नहीं विद्यार्थी, पांचवें वर्ण आगे चौथे वर्ण आगे पांचवें, अब आई जब या घट दश जब घट दश, तो ये ज ब ग ड द श है ना, तो श लिस्ट गिनना नहीं विद्यार्थियों, जब ग ड द पांच हो गए, फिर है खफ छठता चटता व, तो ख फ छ ठ थ च ट त वगनानी, और फिर विद्यार्थी क और प यह आ गया, तो हमको तो विद्यार्थियों यह नहीं आगे और बढ़ना है, तो योग क प य, फिर आएगा श श श र, तो श श स तीन, और फिर विद्यार्थियों ह और ल, तो कुल मिला के 5 वर्ण और हो गए विद्यार्थी भी। तो खास जो उदाहरण जो हमारा बनेगा विद्यार्थी वो इन से बन जाएगा, तो कौन कौन से वर्ण आगे सुन लीजिएगा, ये आगे वर्ग के सारे पहले
ये वर्ग कौन से हैं? पहले यहां तक वर्ग के सारे सारे दूसरे, यहां तक वर्ग के सारे सारे तीसरे, और यहां तक वर्ग के सारे सारे चौथे विद्यार्थियों, है ना। तो यदि शॉर्ट में बात करें तो विद्यार्थियों वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आवे। वर्ग के विद्यार्थियों पहले वर्ण होते हैं क च ट त प, कचट तप खचट थप, तो ख छ ठ थ फ गजट दब ग ज ड द ब गजट दब ग ज ड द भ, है विद्यार्थियों। ये सारे सारे वर्ग के पहले, सारे दूसरे, सारे तीसरे, सारे चौथे, ये क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग विद्यार्थियों। तो मैंने आपके सामने यहां दिखाया, ये हो गए सारे वर्ग के चौथे वर्ण, ये सारे तीसरे, ये दूसरे विद्यार्थी और ये पहले। तो देखिए विद्यार्थियों हम बात करते हैं, इसको मैं अवरफ कर रहा हूं, अब मैं शॉर्ट में बात लिखना चाहूंगा, आपको मेरी बात पूरी समझा दी। मैं शॉर्ट में लिखूंगा कि वर्ग का जल प्रत्यान कौन कौन जाते हैं, वर्ग का विद्यार्थियों पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण। तो मैं लिखूंगा जल प्रत्यार बोले तो वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है। बाद में विद्यार्थियों कोई भी, है ना, कोई भी अच्छ या हल आवे, हल वर्ण आवे तो, हल वर्ण आवे तो क्या करना है, तो यहां जो वर्ग का जो वर्ण आया बोले तो जो जल प्रत्यार जो वर्ण आया है उसको भी विद्यार्थियों जश आदेश होता है। प्रथम पद के अंत में जल प्रत्यार का वर्ण आवे, द्वितीय पद के प्रारंभ में अच या हल कोई वर्ण आवे, कुल विद्यार्थी आपको पता है कि 13 अच होते हैं, 33 हल होते हैं, 46 वर्ण होते हैं, 46 में से कोई भी एक्स जेड वर्ण आए विद्यार्थियों, तो यहां वर्ग वाले वर्ण को, यानी जो जल प्रत्यार का वर्ण आया है उसको अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश होता है। बोले तो विद्यार्थियों ये करेंगे तीसरा, पहला हो तो तीसरा, दूसरा हो तो तीसरा, तीसरा हो तो तीसरा, चौथा हो तो विद्यार्थियों तीसरा वर्ण। मैं लिख रहा हूं तीसरा, इसको लाइन खींची थी ऊ बन जाए, मैं लिख रहा हूं तीसरा, तीसरा वर्ण आदेश होता है, तीसरा वर्ण आदेश होता है विद्यार्थियों। यानी मेरे कहने का मतलब मैंने आरफ कर दिया, बता दो वापिस विद्यार्थियों, यानी क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध और प फ ब भ, ये हैं चार में। अब क आवे तो ग बनाओ, ख आवे तो ग बनाओ, घ आवे तो ग बनाओ, च आवे तो ज तीसरा, छ तीसरा, छ से विद्यार्थी तीसरा ज ज और ज ज से चौथे से तीसरा ज, तो ट आवे तो विद्यार्थी ड, ठ आवे तो भी ड आवे तो ड, त आवे तो द, थ आवे तो द, ध आवे तो द, प आवे तो ब, फ आवे तो ब, भ आवे तो भी ब। कुल मिलाकर ये तीसरे वर्ण हमको बनाने हैं। आप शायद मेरी बात अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं विद्यार्थी इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ आपके साथ फटाफट, देखिएगा। तो क्या कहता है सुनिए, ये कहता है कि अर्थात यदि प्रथम पद के अंत में झल प्रत्याहार बोले तो वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा, है ना, का कोई वर्ण आवे तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भी अच या हल वर्ण आवे तो, अच या हल वर्ण आवे तो झल प्रत्याहार वाले वर्ण को भी, है ना, जश आदेश। अब जश का मतलब क्या लिख रहा हूं मैं, जश आदेश का विद्यार्थियों, यानी जश प्रत्याहार आदेश, है ना, जश का आदेश हो गया, जश प्रत्याहार बोले विद्यार्थियों वर्ग का तीसरा,
वर्ण। तो जस आदेश होता है, प्रथम पद के अंत में कोई जल प्रत्यार का वर्ण आवे, द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भी विद्यार्थियों अच्छे हल वर्ण आवे, तो जल को जस आदेश होता है, बोले तो जल को विद्यार्थियों जो है तीसरा वर्ण बनाना है, और तीसरा वर्ण बनाना विद्यार्थियों जस करना कहलाता है। जस प्रत्यार में सारे सारे तीसरे वर्ण ही आते हैं। अब देखिए जस में बोलता हूं हयवर टलण यम गण नमग है ना, जब या गड दश जब गड दश, या देखा जब ग डन डन ये श, तो ज से लेकर के यहां जाते जब ग ड द श, ये सारे जो तीसरे वर्ण है और श को साथ काउंट करते हैं लास्ट वर्ण, इसलिए तो ये विद्यार्थी जस में ज श जस जस में बोले तो वर के तीसरे वर्ण ही होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल विद्या देखिएगा, पहला ही पहला एग्जाम्पल हम बात करें तो विद्यार्थी जैसे हम सिंपल उदाहरण ले लेते हैं वो है जगदीश, और इसका संधि विच्छेद होगा विद्यार्थी आप सब जानते हैं जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश। अब देख रहे हैं आप प्रथम पद के अंत में त वर्ग का पहला वर्ण, ये वर्ग का पहला वर्ण, बाद में कोई भी अच्छा हल तो आप देख रहे हैं बाद में अच्छा हल पड़ा है, इसलिए जो है हम इस त को जो है विद्यार्थियों द में कन्वर्ट करेंगे, त थ द तीसरा। अब इधर रह गया जग और इधर रह गया विद्यार्थियों आपके ईश, अब जोड़ेंगे तो जगदीश। नंबर दो विद्यार्थियों दूसरा उदाहरण ले लीजिएगा षड़ी में, षड़ी में तो इसका होगा षट प्लस इमे है ना। अब ट का तीसरा देखो, ट वर्ग का पहला वर्ण है, आप देख रहे हैं पहला वर्ण आता है और फिर सामने अचल तो ये विद्यार्थी अच पड़ा है, तो ट का तीसरा आपको विद्यार्थी कर देना है ड में कन्वर्ट। अब ये हो गया श और ये हो गया इमे, तो बात करेंगे तो पद बनेगा विद्यार्थियों ड में ई मिलाओगे तो जगह षडी और ये मे षडी में। दो उदाहरण और कर लेते हैं विद्यार्थियों, इसके ये संधि एंड हो जाएगी हमारी। नंबर तीन विद्यार्थियों है ना, तीन नंबर उदाहरण में लेता हूं विद्यार्थियों, तो ले लीजिएगा षडानन, षडानन तो षट प्लस आनन। अब ट का तीसरा, ट वर्ग का पहला वर्ण विद्यार्थियों सामने जो आपको बनाना है वो वर्ग का तीसरा बनाना है, तो ट का तीसरा हो जाएगा विद्यार्थियों ड और ये होगा इधर श, इधर हो गया विद्यार्थी आपके आ न न ह। अब जोड़ेंगे तो श ये डा ये न न ह, षडानन विद्यार्थियों। और एक उदाहरण लेता हूं मैं आपके सामने दुग्धम, दुग दुग्धम दुग्धम। अब इसका क्या होगा संधि विच्छेद विद्यार्थियों, इसका होगा दुग प्लस धम है ना, दुग प्लस धम। अब घ को आपको ग में कन्वर्ट करना है, विद्यार्थी चौथा वर्ण आता है तो भी आपको किसमें बदलना है तीसरे वर्ण में, तो विद्यार्थी ये जो है मैंने ग कर दिया इसका, अब इधर हो जाएगा दू, इसका हो जाएगा धम, अब आप जोड़ेंगे तो जाएगा विद्यार्थियों दुग्धम। जिस प्रकार दुग्धम है उसी प्रकार विद्यार्थियों लब्धम है, और ये इसी के साथ आपकी जो विद्यार्थियों जशत्व संधि पूर्ण हो जाती है। जशत्व संधि के साथ में आपके व्यंजन संधि के जितने पार्ट सिलेबस में थे विद्यार्थियों, और एक दो पार्ट सिलेबस में नहीं होते भी विद्यार्थी कुछ इंपोर्टेंट लग रहे थे उनको भी हमने विद्यार्थी जो पढ़ लिया है, तो इसी के साथ आज आपकी व्यंजन संधि बोले तो हल संधि पूर्ण होती है।